अभी हम हैं बसरिया, जो फुटानी चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखना बहुत ही दिलचस्प है कि फलवो भी है और फुलवो भी है, और दोनों लहर रहा है एकदम तेजो जोर खरोच से। और यहाँ जनता है जो सबके कहना बेहद मुश्किल होगा। तो इस बार क्या हो रहा है, क्या होगा? सब भारी महामस है, सब फुलवे पर। फुलवे पर है? सब अरे तो फुलवा के बाद फलवे आता है क्या? फल 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 फल, फूल मुरझा गया, फल खिलेगा इस बार। फल 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 बटेगा हर में, फल बटेगा। सेव खाओ, स्वस्थ रहो। नहीं भैया, फूल हमेशा रहेगा। फूल, ये क्षेत्र जो है फूल का दीवाना। एप्पल एप्पल, अरे भैया ये तो अंग्रेजी में मार दिया एप्पल। भैया जी बोलिए, इस बार क्या है, एप्पल की फूल? फूल फूल, देखिए हमेशा हम लोग फूल के दीवाने हैं। अच्छा, हमेशा रहेंगे फूल, जब तक सांस रहेगा तब तक फूल के दीवाने हैं। अच्छा, फूल के दीवाने के साथ साथ किस चीज का दीवाना है? हम सनातनी हैं। सनातनी, इसलिए हमको। अरे बहुत बड़ा बात बोल दिए भैया जी, सनातनी का बात। और सनातनी रहने के कारण सबों को मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए, झारखंड में सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी है फूल को खिलाना। अच्छा भैया जी से पूछते हैं, बहुत कोई तो फलवा के दीवाना है लेकिन झारखंड में फूलवे के खिलाना चाहते हैं। फल ही फल, लेकिन झारखंड में भी सेब दिखेगा। लेकिन सेब दिखेगा बरकट्टा में, झारखंड में? झारखंड में कौन दिखेगा? झारखंड में जो है गठबंधन का, वही गठबंधन दिखेगा। लेकिन फलवा का दीवाना एकदम फूलवे के दीवाना बन जाता है। फूल नहीं, फूल मुरझा गया। फूल मुरझा गया, फूल मुरझा गया, फल का है इस बार। आइए जानते हैं, अनुभवी हैं बसरिया से, क्या कहेंगे भैया? भैया क्या कहेंगे, है ना, जिधर जिसका पासा देखेंगे ढल रहा है। ये बात बहुत कांटे की टक्कर है, कांटे की कांटे की टक्कर है, 3-4 में जो है कांटे की टक्कर है। अच्छा, बरकट्ठा में चचा भतीजा का चल रहा है, और ये इचाक से भी चचा भतीजा निकले हैं, बटेश्वर चचा साथ में उनके, गौतम जी जो चचा भतीजा के रिश्ते के साथ हैं। चाचा जो है वो तो अलैकुम सलाम वाला है। हम लोग तो, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा, दोनों एक सनातनी है, एक उसमें तो रहेंगे नहीं। नहीं, हम लोग जय श्री राम के बंदे हैं। राम है, जय श्री राम रहेंगे। जय श्री राम सीधा। आप भैया? जय श्री राम। जय श्री राम सीधा सीधी नौजवान, जय श्री राम। जानते हैं भैया से क्या चलेगा इस बार? इस बार बरकट्ठा का जो माहौल, जो सरगर्मी चल रहा है, उस हिसाब से लगता है कि कुमकुम देवी काफी वोट से जीत सकती है। कुमकुम देवी, एप्पल छाप बरकट्ठा में। और झारखंड में किसको चाहेंगे? झारखंड में गठबंधन सरकार रहेगा, गठबंधन की। अरे भैया तो फलवा वाला भी चाह रहा है कि फूलवे आवे। फल वाला फूल चाह रहा है और फूल वाला फल चाह रहा है। 4-5 दिन के बाद में सरगर्मी जो चल रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। त्रिकोणीय चार मुखी वाला चल रहा है, त्रिकोणीय में चार मुखी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव है, स्वतंत्र भारत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने के कगार पर नहीं, जीत गए हैं हम लोग फूल के। अच्छा, फूल के। हाँ, हम लोग जीत गए और सरकार भी बनाएंगे झारखंड में, फूल का ही सरकार बनेगा। फूल का तो सीधा सीधी मतलब जाएगा कहाँ? गठबंधन सरकार, गठबंधन। अच्छा, युवा हैं आप, लगातार युवा जो है 5 साल से आक्रोशित होकर सड़क पे उतरे, और उसी दौरान एक युवा टीम से नेता बन गए, कहीं ना कहीं नेता का संगठन हो गया जो झारखंड में तहलका मचा के रहेंगे। जयराम दादा, हाँ, लेकिन उसका यहाँ परचम अभी नहीं खिलेगा। खिलेगा अभी नहीं। अरे तो आप अभी फिलहाल फल का ही है, दीवाना। जयराम दादा का विचारधारा कैसा? विचारधारा ठीक है, बट अभी फिलहाल नहीं। अभी तो गठबंधन सरकार के वो खिलाफ है, आप बोल रहे हैं विचारधारा ठीक है। कुमकुम ही जीतेगी यहाँ से, यहाँ निश्चित हो गई है, और भारी मतों से जीतेगी। भारी मतों से, दुनिया क्या बोल रही है उससे मतलब नहीं है, कुमकुम ही जीतेगी इस बार। बरकट्ठा का माहौल जो है ऐसा है कि समीकरण निकालना मुश्किल है, क्या होगा इस बार? कुमकुम देवी जीतेगी, कुमकुमे। यहाँ सबसे ज्यादा तादाद जो है फूल का दीवाना है, साफ कहते हैं कि सनातनी है, तो कहना मुश्किल है। अच्छा भैया, जैसे 5 साल सरकार रहा जेएमएम का, तो ये मैया योजना लेके बहुत बौखला दिया है। देखिए, 5 साल सरकार रही जेएमएम का, तो 5 साल में 4 साल 9 महीना वो कहाँ छुप गया था सरकार? अच्छा, 3 महीना में बाहर क्यों आया? 5 साल 9 महीना उसको बाहर आना चाहिए ना भाई, उसके पहले 3 महीने क्यों बाहर आया? बप्पा योजना नहीं आया उसके, उसमें कोई योजना नहीं था, आज मैया योजना हाथ पड़ गया। अच्छा, बप्पा लोग बोल रहे हैं पेंशनवा बंद कर दिया है, मैया योजना आया है तो अभी बंद करेगा ना भाई? अभी लोग कह रहा है कि लाइट बिल माफ किया है, लाइट बिल उनका घर का नहीं जो माफ किया है। देखिए, अभी चुनाव है, चुनाव के बाद क्या होगा? लाइट बिल माफ किया है तो लाइट भी तो 5 घंटा काट दिया है। अच्छा, लाइट का कटौती हो रहा है, कटौती हो ही रहा है, आप सब देख रहे हैं, आप भी हैं यहाँ के।
अच्छा, झारखंड में अभी तक किसके मतलब सरकार के कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ? देखिए, रघुवर सरकार के कार्यकाल में रहा विकास। विकास देखिए, गरीब से गरीब बच्चे नौकरी पाए, कोई दारोगा हो गए, कोई क्या हो गए, कोई एक रुपये कहीं डोनेशन नहीं दिया लोग। आज देखिए 25-25 लाख में लोग नौकरी लेने के लिए तैयार है, और जो कि नौकरी बिक रहा है, जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको नौकरी नहीं मिल रहा क्योंकि गरीब परिवार में से है, और जो जिनके पास पैसा है वो बिना पढ़े लिखे भी नौकरी लेने के लिए तैयार है। ऐसी भ्रष्ट सरकार है झारखंड में। अच्छा।